हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से नर्सिंग वालों के साथ साथ जो पैरामेडिकल वाले हूं लेक के लिए भी वैकेंसी आई है। यहां पे कोविड से रिलेटेड वैकेंसी है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में जो है बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब करके लिखा होगा, उसको क्लिक करना, साथ में बेल आइकन में ऑल में प्रेस करना, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी वैकेंसी मिले, सारे अपडेट मिले और सारी जो है पैरामेडिकल के वैकेंसी भी मिले ऑल स्टेट से। ठीक है, तो आपको जो है इस चैनल में, एक ही चैनल को आपको सब्सक्राइब करने से तीन फायदे हैं, तो चलिए मैं वो तीन फायदे भी बता देती हूँ आपको। फर्स्ट के इसमें नर्सिंग नोट्स मिल जाएंगे, सेकंड के इसमें नर्सिंग वैकेंसी मिल जाएगी, थर्ड के इसमें पैरामेडिकल वैकेंसी मिल जाएगी, पूरे ऑल इंडिया में ऑल स्टेट की वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब करने से आपको तीन तीन फायदे हैं, तो ये तीन फायदे तो गंवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पैरामेडिकल का जो और नर्सिंग वालों के लिए फिर से एक बार वैकेंसी आ गई है। तो ये जो वैकेंसी है एमपी से आई हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं टेम्पररी पोस्ट ऑफ कोविड-19 बीएमसी लेटर नंबर। तो यहाँ पे कार्यालय अधिष्ठता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर शिवाजी वार्ड तिली रोड सागर मध्य प्रदेश से यहाँ वैकेंसी आई है। और ये जो नोटिफिकेशन है तुरंत नई नई वैकेंसी है, 15 जून को ही आया हुआ है, यानी कि कल। तो यहाँ पे कोविड-19 हेतु स्टाफ नर्स के संविदा पदों की विज्ञप्ति, ठीक है। तो यहाँ पे संविदा पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है। NHM के थ्रू भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के प्राप्त पत्रों के आधार पर कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर से संबंधित चिकित्सा में पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन उपलब्ध कराने तथा उनकी अस्थायी नियुक्ति हेतु दिनांक 30 जून तक की अवधि के लिए निम्नानुसार मानव संसाधन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है टाइम वो 30 जून तक का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है वो देख लीजिए। मेडिसिन PGMO, ठीक है, PGMO चेस्ट एनेस्थीसिया विभाग में यहाँ पे 21 पोस्ट है टोटल। स्टाफ नर्स का 3 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन का 9 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, वार्ड बॉय का 5 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट का 3 पोस्ट है। तो यहाँ पे इतनी सारी टोटल पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, और आपको अप्लाई कैसे करना है उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और आपको DD के थ्रू जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना, एग्ज़ाम फॉर्म में हमको DD लगेंगे। STSC अन्य पिछड़ा वर्ग को 500 का और जो STSC उनको 250 का। फिर कोविड-19 के कारण प्रतिदिन नियुक्ति पद पूर्ति तक की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड-19 के लिए है ये अवधि। यहाँ पे देखिए कि ये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एकमुश्त वेतन पर दिनांक 30 जून तक कोविड-19 महामारी है तो अस्थायी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे अस्थायी होगा जो कि 30 जून तक की होंगी, इसमें स्थायीकरण का कोई भी दावा नहीं है, यहाँ पे जो है आपका परमानेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि और विज्ञापित निरस्त भी की जा सकती है, आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीनता सूची सूचनाएं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे, और इस वैकेंसी से रिलेटेड और अपडेट पाने के लिए वेबसाइट पर जाके देखते ही रहे आप। और साथ में सही जानकारी विज्ञापित क्रमांक 1758 भर्ती 21 सागर दिनांक 27 मार्च अनुसार रहेगी। और ये जो है जो 27 मार्च को और जो वैकेंसी का भर्ती वगैरह हुआ था तो उससे रिलेटेड ही ये वैकेंसी का भी वो रहेगा। 30 जून तक का आपका जो है यहाँ पे रहेगा, और ये 15 जून को आया हुआ है ये वैकेंसी जो है। तो आप इसको अभी से अभी इसका जाइए और पता कीजिए इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि उक्त पदों पर आवेदक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकता है, आवेदन महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा किए जा सकेंगे, उक्त दिनांक को ही उन अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट उस कॉलेज में जाना है, फिर आपको क्या करना है वहाँ पे जा करके अपना फॉर्म सबमिट करना है और खुद को ही जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी, साथ में पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और वार्ड बॉय की वैकेंसी है। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, हालांकि कम पोस्ट है स्टाफ नर्स का, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।